हेलो डियर, वेलकम टू मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मल साइंस इंजीनियरिंग के प्रीवियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो सीरीज चलाया जा रहा है क्वेश्चंस का, पिछले वीक से आपने देखा होगा कि उसमें थर्मल साइंस इंजीनियरिंग में मैंने केसेस डील करना स्टार्ट किया था। केसेस का नहीं का मतलब, मैंने कंडक्शंस के जितने भी पॉसिबल केसेस हैं न्यूमेरिकल पूछने का वो मैंने आपको बता दिया है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर एमआई के वो गया हुआ है। सेकेंड पार्ट ये है कि हम लोगों ने हीट एक्सचेंजर के बारे में देखा था, थेरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। थेरेटिकल में मैंने बताया था कि हीट एक्सचेंजर में कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बनते हैं क्वेश्चंस के, वो चीज़ें हम लोगों ने डील कर लिया। उस पर न्यूमेरिकल के जो टाइप है, जितने पॉसिबल केसेस है, वो हम लोगों ने डील कर दिया। नाउ द चैप्टर विल बी रेडिएशंस। रेडिएशन इज़ द ब्रॉड चैप्टर, बट वी कंक्लूडेड कि हाउ मच पॉसिबल केसेस टू बी देयर रेडिएशंस में। पहले थेरेटिकल क्वेश्चंस आप समझ लें कि थेरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं रेडिएशंस में। थेरेटिकल क्वेश्चंस जो होता है वो सम बेसिक डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, लाइक दैट क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस बेसिक डेफिनेशन, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन बेसिक डेफिनेशंस, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ रेडिएशन बेसिक डेफिनेशन, इमिसिबिलिटी इमिसिव पावर, एब्सॉर्प्टिविटी रिफ्लेक्टिविटी ट्रांसमिसिविटी, कन्फिगुरेशंस फैक्टर या उसे सेप फैक्टर कहते हैं, दिज ऑल आर द बेसिक डिफरेंस है। इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ द ग्रे बॉडी एंड एब्जॉर्प्टिविटी रिफ्लेक्टिविटी ट्रांसमिटिविटी में रिलेशंस। वी नो डैट अल्फा प्लस टाउ प्लस रो इक्वल टू वन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट बॉडी लाइक वाइट बॉडी ब्लैक बॉडी अब क्यू बॉडी, हाउ द एब्जॉर्प्टिविटी इज डिफर रिफ्लेक्टिविटी इज डिफर ट्रांसमिसिविटी इज डिफर, दिज ऑल केसेस टू बी पॉसिबल इन द एग्जामिनेशंस फॉर द डेफिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। दिस ऑल डेटा इज द थेरेटिकल। नाउ द न्यूमेरिकल इज ऑल्सो टू बी आ देयर। जैसे ये क्वेश्चन मैंने उठाया है तो इसमें सम बेसिक डेफिनेशन विल बी आस्किंग सम, जैसे कुछ डेफिनेशन जो मैंने अभी बोला वो डेफिनेशन आप जरूर देख लेंगे, वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल पार्ट की बात करें तो न्यूमेरिकल के केसेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि एक सिंपली इमिसिव पावर निकालने के लिए टोटल इमिसिव पावर, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ द क्वेश्चंस, दिस इज द फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे निकाला। फिर सेकेंड पार्ट देखेंगे टू पैरेलल फिक्स प्लेट के बीच रेडिएशंस कैसे निकालेंगे अगर प्लेट के अलग अलग इमिसिविटी दिया हो। फिर शील्डिंग का केस कर लेंगे, सिर्फ फैक्टर के साथ कर लेंगे, फोर केसेस विल बी देयर। नाउ दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सिंपल वे, डेटा दिया रहेगा आपको, वहाँ पे इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी निकालना रहेगा और उसके रेस्पेक्ट में टोटल इमिसिव पावर निकालना रहेगा, दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ द सेकंड केस विच भी टू पैरेलल फिक्स प्लेट का इमिसिविटी अलग अलग है तो उसमें टोटल आपको रेडिएशंस निकालने हैं, हीट फ्लो निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए पूछ सकता है, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स, वी ऑल नो डैट। नाउ द थर्ड केस विल बी द टोटल रेडिएशंस और टोटल रेडिएशंस एक्सचेंजेस बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विथ शील्डिंग और विदाउट शील्डिंग। अगला कैसे जो पॉसिबल होगा वो होगा आपका सेफ फैक्टर के साथ। सेफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, कॉन्फिगुरेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, टू सरफेस के बीच अगर रेडिएशंस का एक्सचेंजेज होगा, हीट का एक्सचेंजेज होगा तो हाउ मच सेफ फैक्टर विल बी पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और सेकेंड और टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दोनों के साथ पॉसिबिलिटी है वो चीज़ें देखेंगे। अगर आपने वीडियो लेक्चर लिया होगा तो उसमें बड़े अच्छे से पढ़ाया गया, सिस्टमेटिक में पढ़ाया गया, स्टडी मटेरियल भी अच्छे से थर्मल साइंस का अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट केसेस हम लोग डील करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट केसेस में क्या करा है, सब्जेक्ट इज थर्मल साइंस इंजीनियरिंग, द क्वेश्चन इज आस्किंग इन विंटर 2015। मैं क्वेश्चंस इसी तरह के सब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन मैं कोई एक क्वेश्चन पिकअप कर लेता हूँ जो हमेशा पूछा गया है, तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। डेटा दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल इज 20 सेंटीमीटर एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इन 0.2 मीटर एंड द टेम्परेचर टू बी इन दैट कंडीशन इज 800 केल्विन। द बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली एज अ ब्लैक बॉडी, जो स्फेरिकल बॉल है वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। दिस द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, द डिजायर ऑफ द क्वेश्चन टोटल ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर निकालना है हमें, इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इन सिंपल वे, टोटल रेडिएशंस इमिटेड बाय द बॉल इन 5 मिनट और इट इज़ कन्वर्टेड इन टू 300 सेकेंड। तो चीज़ें आसान है, सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ सॉल्यूशन, एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल
is assumed to be A. Now we know that the area is pi by 4 ds or 4 pi स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. और हियर 4 पाई आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी बाई 2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए 4 पाई वी नो डैट एंड द डी इज 0.2 मीटर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. नाउ द एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल इज कैलकुलेटेड. फोर पाई इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. द एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेटेड एज हियर 0.1257 मीटर स्क्वेयर. दिस इज द एरिया इज कैलकुलेटेड. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हियर कैलकुलेट द फर्स्ट टोटल ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर. द फर्स्ट पार्ट इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज वी नो डैट इमिसिव कैपिटल ई रिप्रेजेंट द इमिसिव पावर एंड सफिक्स इज द ब्लैक बॉडी. इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज सिग्मा टी टू द पावर 4. हियर सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट. नाउ द वैल्यू सिग्मा इज वी नो डैट 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वेयर के टू द पावर 4. Putting the value here, emissive power of the black body EB equal to sigma is 5. ये data आप याद रखेंगे. This value is very important in the for solving the numerical in the radiations chapter. Everywhere that condition that value will be used. But in the question that value is not to be mentioned. 5.67 into 10 to the power minus 8 into T 800 Kelvin is given. If in degree C, we must be converted this value in Kelvin. Solving this value, (5.6×10⁻⁸) (800 per power 4). एट इंटू 800 पर पावर 4. दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेटेड 2322 4.3 वाट. द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड वाट पर मीटर स्क्वेयर यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वेयर. In simple way, this is the emissive power of the black body. Now the second part of the question, total radiations. Second part, total radiation. Total radiation, it means it must be multiplied by surface area. Then we calculate the total radiations on the surface. The total radiations, we know that the total radiations is here. It must be
मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेडिएशन इज इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन. नाउ द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज कैलकुलेटेड हियर 224.32. एरिया इज मेंशन कैलकुलेटेड हियर 0.1257 एंड द टाइम इज 300 सेकेंड. मिनट में मेंशन है, हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया. नाउ द वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड हियर 23224.32 इंटू 0.1257 इंटू 300. द वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इज कैलकुलेटेड हियर डिवाइडेड बाई, मैं किलो वाट में इसे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, द वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेटेड हियर ₹875.79. दिस इज द टोटल रेडिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन डेटा. ये एक सिंपल वे में जो क्वेश्चन पूछता है वो हम लोगों ने डील किया. दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है जो मैंने बताया वो अगले लेक्चर में डील करेंगे. आप इस तरह से चीज़ें अच्छे से कर लेंगे तो आई होप आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. अगर अभी भी आपने वीडियो लेक्चर मोड लेसन से नहीं लिया है तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आप ले सकते हैं. स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं. आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे जैसे बताया जा रहा है. ओके, थैंक यू.